सकते हैं। तो मेरे पास जो आज हेडफोन है वो है हाइपर एक्स स्टिंगर 2, तो देखते हैं कैसा है वो, लाओ दे। तो ये है अपना हाइपर एक्स का स्टिंगर क्लाउड, आपको दिख रहा है ये क्लाउड स्टिंगर 2। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, जैसे कि हाइपर एक्स का अपना सिग्नेचर कंफर्ट दिया हुआ है, DTX आप देख रहे होंगे यहाँ पे DTS हेडफोन, और यहाँ पे 50mm का ड्राइवर्स मिल रहा है हमको, मेमोरी फोम मिल रहा है, मतलब जब हम यूज़ करते हैं हेडफोन लगाते हैं तो जो फोम होता है वो दबता नहीं है। नहीं तो बहुत सारे हेडफोन में कैसा होता है कि जब वो दबता है, जैसे हम हेडफोन लगाते हैं तो वो प्रेस होता है तो उसका जो फोम होता है वो दब जाता है, बट इसका नहीं दबेगा क्योंकि यहाँ पे अपने को मेमोरी फोम देखने मिल रहा है। प्लस यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल रहा है, अपने को हेडफोन नहीं है, यहाँ पे हमको जो माइक मिल रहा है वो नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ है, मतलब जो पीछे के डिस्टर्बेंस होते वो नहीं मिलेंगे। और जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो मेरी वॉइस भी है वो भी हाइपर एक्स के सोलो कास्ट जो माइक्रोफोन होता है उसके थ्रू हो रही है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या हमको देखने मिलता है, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं क्या है। चलिए हमारे टेबल पे आते हैं। तो यार मेरे पास अभी ओपनिंग के लिए कुछ नहीं है, बट ये चल जाएगा शायद से, तो इससे आज ओपन करते हैं मामा। तो बहुत इजी कट गया, को रखते हैं साइड में। और ये हुआ हमारा, तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे मिलता है हाइपर एक्स का DTX हेडफोन, DTX टेक्नोलॉजी जो है वो, और फिर यहाँ पे DTX का अपने को सब्सक्रिप्शन मिल रहा है जो कि हमारे को यहाँ पे 2 ईयर्स का है, 2 ईयर्स का एक्टिवेशन का अपने यहाँ पे कोड मिलता है। ये स्क्रैच करके हम कोड ले सकते हैं, इसको रखते साइड में। ये यहाँ पे कवर दिया है हमको, और ये एक काम की चीज़ दिया हुआ है, जिसका पीसी रहता है ना, पीसी में एक माइक के लिए रहता है और एक हेडफोन के लिए रहता है, तो यहाँ पे हम दोनों ये कनेक्ट कर सकते हैं। और किसी किसी को लैपटॉप में रहता है तो लैपटॉप में सिंगल पिन लगाना है तो सिंगल पिन भी हम लगा सकते हैं। तो ये एक चीज़ हमको अच्छी दी हुई है करके, सब जो पेपर है वैसे तो कुछ काम भी नहीं रहते बट संभाल के रखने का। 2 ईयर्स की वारंटी आती है इस पर, मैंने दोस्तों आपको बताया नहीं, इस पर हमको 2 ईयर्स की वारंटी भी दी जाती है। और ये रहा हमारा हेडफोन एयर बॉक्स, इसको भी रखते हैं साइड में। ये डायरेक्ट अपना लैपटॉप में जाता है, ये 3 तो आपको पता होगा, ये 2 एक रहता है तो मोनो, 2 रहता है तो स्टीरियो, और 1/3 है तो मतलब माइक। तो यहाँ पे हमको माइक भी मिलता है, और माइक के लिए हमको यहाँ पे एक कवर दिया हुआ है छोटा सा, ये हो गया हमारा हाइपर एक्स का हेडफोन रेडी। और जो मैं आपको बता रहा था वो ये है, तो ये हमारा स्टीरियो है जो यहाँ पे अपने को 2 दिख रहा है, और ये हमारा हेडफोन का है, सॉरी माइक्रोफोन का है, ओके। और ये इधर पे लगेगा हमारी पिन, और ये डेस्कटॉप में जाने के लिए रेडी, डेस्कटॉप में 2 आता है तो ये 2 के लिए दिया हुआ है, ये ऐसी आवाज़ आना चाहिए। तो अभी इसको प्ले करके देखते हैं, सुनते हैं कैसा बजता है। और मैं आपको बता दूं, ये मोबाइल में इतना बेटर नहीं प्ले होगा, हमारे को मोस्ट प्रोबेबली जो है वो पीसी लगाना होगा, या पीसी पे सुनना होगा, या लैपटॉप या हमारा डेस्कटॉप, तो उस पर ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, ना कि हमारे मोबाइल वगैरह पे। तो ये भी चीज़ दी हुई है, ये दिख रहा है आपको, अच्छा आवाज़ करता है। तो दोस्तों तुमको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरे पास और भी कोई हाइपर एक्स की एक्सेसरीज आएगी तो मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए साइन ऑफ।